मिले सबसे ज्यादा महिला वोट थे। क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के जरिए बीजेपी ने चल दिया मास्टर स्ट्रोक, क्या गेम चेंजर साबित होगा ये बिल, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। 27 साल के लटके महिला आरक्षण बिल की किस्मत आखिरकार खुल गई है। देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिल करके नए प्रवेश द्वार खोल दिए गए। इस बिल के कानून बन जाने के बाद महिला आरक्षण की अवधि 15 साल होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट पड़े थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36% महिला वोट पड़े थे। 2022 की यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 46% महिला वोट मिले थे। ये ट्रेंड बता रहा है कि इन तीनों चुनाव में सबसे ज्यादा महिला वोट बीजेपी को पड़े और उसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि आर्टिकल में महिला रिजर्वेशन की अवधि 15 साल की होगी। अगर अवधि बढ़ानी होगी तो संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा। महिला आरक्षण बिल के जरिए मोदी सरकार ने 2024 की चुनावी पिच पर मास्टर स्ट्रोक चला है। पीएम मोदी ने कहा, ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए उन्हें चुना है। मेरी सरकार ने ही कैबिनेट में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। इसको लेकर आने वाले चुनाव में बीजेपी को फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। 13,000 ऑटो कर्मचारी क्यों गए हड़ताल पर? यदि हड़ताल 3 हफ्ते या उससे अधिक समय तक जारी रहती है तो कारों की कीमतें बढ़ सकती है। क्या है ऑटो कर्मचारी की मांग, देखते रिपोर्ट। अमेरिका में शुक्रवार से करीब 13,000 ऑटो कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स यूनियन के बैनर तले ये कर्मचारी वेतन में बढ़ोतरी, प्रॉफिट और अन्य कुछ सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स यूनियन और 3 बड़े अमरीकी वाहन निर्माताओं जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर और स्टेलटेल्स के बीच इन मुद्दों पर बातचीत थी, लेकिन सहमति न बन पाने के बाद यूनियन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये हड़ताल पूरी तरह से वॉकआउट नहीं है, क्योंकि यूनियन के लगभग 1,50,000 सदस्यों में से एक छोटे प्रतिशत ने हड़ताल का ऐलान किया है। हालांकि यदि यूनियन और वाहन निर्माता जल्दी किसी समझौते पर नहीं पहुंचते हैं तो हड़ताल में और कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। संघ अब सभी श्रमिकों के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग लागत और पेंशन की बहाली की मांग कर रहा है। इसके अलावा काम के घंटों को कम करने, साथ ही कारखाने की नौकरियों के लिए वेतन के विभिन्न स्तरों को समाप्त करने की भी मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। किम जोंग उन रूसी दौरे पर है जहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को तोहफे में राइफल भी गिफ्ट की। यह पहली बार है जब किम इतनी लंबी अवधि के लिए अपने देश से बाहर रहे हैं। क्या है इसके पीछे की अहम वजह, देखते रिपोर्ट में। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन 12 सितंबर रूस में थे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर रूस आए किम जोंग उन अभी 2 या 3 दिन और रूस में ठहरे। 13 सितंबर को राष्ट्रपति पुतिन से वात्सोचनी क्राइमोडोम से मुलाकात के बाद किम जोंग उन अपनी स्पेशल ट्रेन से 15 सितंबर को रूस के सुदूर पूर्व स्थित आमुर क्षेत्र पहुंचे थे। उत्तर कोरियाई लीडर ने ही रूस के आमुर क्षेत्र में स्थित रूसी फाइटर जेट SU-35 एवं SU-57 बनाने वाली फैक्ट्रियों का दौरा किया। रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन के नाम पर बने यूरी प्लांट में किम जोंग उन ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट SU-57 को बनाए जाते हुए देखा। किम को SU-35 के फाइटर पायलट ने हवाई करतब भी दिखाए। किम के दौरे को लेकर जारी फोटोग्राफ में उसे फाइटर जेट की बारीकियां समझते हुए देखा जा सकता है। रूस के आमुर क्षेत्र में फाइटर जेट की फैक्ट्रियों को देखने के बाद किम जोंग उन एक बार फिर अपनी स्पेशल ट्रेन में सवार होकर व्लादिवोस्तोक पहुंचे। 2019 में राष्ट्रपति पुतिन के साथ किम की मुलाकात व्लादिवोस्तोक में हुई थी। इसके अलावा किम एक साइंस सेंटर को भी विजिट करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बुद्ध की कामना संघ गणेश महोत्सव शुरू, कहा 105 किलोग्राम चांदी की बनाई बापा की मूर्ति, क्या 90 लाख की है मूर्ति की कीमत, देखते रिपोर्ट में। महाराष्ट्र समेत देश भर में गणेशोत्सव का आगाज हो गया। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से कई जगह मूर्ति स्थापना संघ पूजा अर्चना शुरू हुई। आने वाले 10 दिनों तक सभी भक्त गजानन के रंग में डूबे रहेंगे। महाराष्ट्र के बुलढाणा में एक ज्वेलर्स ने 105 किलो चांदी से गणेश जी की मूर्ति बनाई है। इसकी कीमत करीब 90 लाख रुपए बताई जा रही है। लोग दूर दूर से बप्पा की इस मूर्ति को देखने आ रहे हैं। इस मूर्ति को बड़ी खूबसूरती से डायमंड से सजाया गया है। खामगांव शहर के कमल जहांगीर नामक ज्वेलर ने ये मूर्ति बनाई है।
गणपति की मूर्ति बनाने में उन्हें 3 महीने का वक्त लगा। इस मूर्ति को डायमंड से सजाया गया है। बता दे, इससे पहले इस ज्वेलर ने एक चूहा अमिताभ बच्चन के लिए बनाया था, जिसे उन्होंने सिद्धि विनायक मंदिर में भेंट स्वरूप दिया था। इसके अलावा BCCI ने भी इस ज्वेलर्स की दुकान से सचिन तेंदुलकर के लिए 4 से 5 किलो चांदी का बैट बनवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।